उत्तर प्रदेश के बागपत में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर मुस्लिम परिवार के सदस्यों ने धर्म परिवर्तन करने की इजाजत मांगी है। मुस्लिम परिवार के 20 लोगों ने एसडीएम बड़ौत को एफिडेविट देकर स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की मांग की है। मामला छपरौली थाना इलाके के बदरखा गांव का है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आज पीड़ितों के गांव में हवन यज्ञ कर रीति रिवाज के साथ सभी 20 लोगों का नामकरण कराएंगे। वहीं धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने से जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और बागपत के डीएम ने पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है। निवाड़ा गांव में हमारे 22 साल के भाई को बुरी तरह हत्या करके उसकी और उसे खुंटी पर लटका दिया और सुबह ही सभी लोग आके कह लगे कि तुमने मारा, जल्दी करके इसका पचनामा भरो और इसे जल्दी से जल्दी दफनाओ। मेरे भाई की एक ही घंटे में कब्र वबर खोद के तैयार कर दी, मतलब दफनाने के नाम के तैयार कर दिया। और मासी करीबन 3000 मुसलमान होंगे, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमारा किसी मुसलमान ने साथ ही नहीं दिया तो फिर हम इस समाज में रह के करें क्या। मामला एक 3 महीने पहले की घटना का, जिसमें एक की डेथ हुई थी और उनका आरोप है कि जांच अच्छे से नहीं हो पाई और जो आरोपी थे उनको नहीं पकड़ा गया है। तो इसके तहत जाने के लिए हम लोग ने पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता की है और निश्चित रूप से पुनः हम इसको दिखवाएंगे कि क्या समस्या है। हिंदू धर्म हम यूँ ग्रहण कर रहे हैं जी, हमें कोर्ट कचहरी में भी, मतलब हमें भाग दौड़ करने में भी हमें कोई न्याय नहीं मिला और हमारा पोस्टमार्टम भी उल्टा सीधा करा दिया गया। किसी के साथ उत्पीड़न होता है मुस्लिम समाज में तो हम अपने भाइयों को गले लगाने के लिए तैयार है और पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और हमारे साथ कुलदीप चौहान हमारे संवाददाता बागपत से जुड़ गए हैं। कुलदीप, हवन यज्ञ करके रीति रिवाज के साथ बताया जा रहा है कि 20 लोगों का नामकरण कराया जाएगा और हिंदू धर्म में उन्हें शामिल किया जाएगा, किस तरह का ये कार्यक्रम होगा और अधिकारी इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, कितने चिंतित हैं और किस तरह से इस कार्यक्रम को लिया जा रहा है? बिल्कुल अजीत, देखिए बता दूं कि कोतवाली बागपत क्षेत्र का ये मामला है और बागपत कोतवाली पुलिस पर ही ये गंभीर आरोप लगाते हुए, उसकी जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल या निशान खड़े करते हुए इस परिवार के 20 लोगों ने जो है धर्म परिवर्तन किया है और एसडीएम के यहाँ एफिडेविट देकर के उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात कही और उसके बाद जो अभी हिंदू संगठन के लोग हैं वो उनके जो बदरखा गांव पड़ता है वहां पर आज हिंदू रीति रिवाज से बाकायदा हवन यज्ञ होगा और इन लोगों को सभी को इनका नामकरण कराया जाएगा वहां पर, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जो यहाँ पर कुछ काफी साधु संत लोग भी पहुंचेंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरी तैयारियां जो की जा रही हैं। यहाँ के हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वो उन्होंने धर्म में वापसी की है तो वो उनके भाई हैं, अब उनको इसी तरीके से नामकरण करा करके शुद्धिकरण कराया जाएगा उनका, उसके बाद पूरी प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी। वही हमारी जिले के अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि इस तरीके की कोई परमिशन तो किसी संस्था या किसी हिंदू संगठन की तरफ से नहीं ली गई है, लेकिन उसकी तरफ से देखा जा रहा है कि कहीं इस तरीके का कोई विवाद ना बने कि जिस तरीके से वहां पे किस समय ये हवन यज्ञ, ये जो रीति रिवाज बता रहे हैं हिंदू धर्म में शामिल करने का, वो किस समय कहां पर कैसे होगा और इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क है? बिल्कुल अजीत, देखिए हम बता दें जो परिवार है इनका पैतृक गांव पड़ता है छपरौली थाना क्षेत्र के बदरखा गांव का, तो वहां के गांव के लोग जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी यहां पर तहसील में कल ही पहुंच गए थे और उन्होंने जो अपने इन भाइयों का स्वागत किया और इनका गांव में ही हवन यज्ञ कर पूरी तरीके से रीति रिवाज से इनका नामकरण कराने की बात की है और बदरखा जो पैतृक गाँव है इनका वहीं पर पूरी तैयारियां की जा रही है। अजीत, सवाल यह है कि जिन लोगों पर इन लोगों ने आरोप लगाया है, अपने समाज के लोगों पर भी आरोप लगाया है और पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है, तो इनके समाज के लोगों का और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है और किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है, क्या कह रहा है प्रशासन? देखिए अजीत, पहले मैं बता दूं कि जो पीड़ित परिवार है जिसने भी धर्म परिवर्तन किया है, इनका आरोप सिर्फ जो इनके धर्म के लोग ही, जो इस्लाम धर्म के लोग थे, इनका कहना है कि उस धर्म में उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। उनके 3 महीने पहले 27 जुलाई को उनके बेटे की हत्या करके सबको खूंटी पर लटका दिया था और उसके बाद जो आरोपी है उन्होंने पुलिस से मिलीभगत की थी पूरी तरीके से और पुलिस की कार्यशैली भी उसमें ठीक नहीं रही। जो इनका आरोप है, इनका कहना है कि पोस्टमार्टम भी इनका
ठीक तरीके से नहीं कराया गया और आत्महत्या में हत्या के मामले को तरमीम कर दिया गया। आलाधिकारियों के पास पहुंचे थे तब भी उनको कोई आश्वासन या कोई किस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी पूरे मामले को लेकर के, जिससे गुस्साए थे ये लोग, इसीलिए इन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया था। जी कुलदीप, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।